जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन, क्योंकि कल हम लोग के इधर जो था चौथा दिन और पंचमी एक साथ कर लिए, तो कल का जो हमारा फास्ट था पंचमी का, पर आज हमारा कोई फास्ट नहीं है। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो आज का जो ड्रेस कोड है वो वाइट है, तो मैं वो वाइट कुर्ती पहन लूँ। ये कॉटन की कुर्ती है जिसे मैं परचेज़ की थी डी मार्ट से, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैं थोड़ा ज़्यादा रेडी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना ENT स्पेशलिस्ट के पास, जिसके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है 11:30 बजे का, क्योंकि जो मेरा लेफ्ट कान है उसमें दिक्कत हो रहा है, तो वो मुझे दिखाना है। ये क्यों हो रहा है मेरे को पता नहीं, ये वैक्सीन लगाने के दूसरे तीसरे दिन बाद से मुझे शुरू हो गया था इसमें दिक्कत, तो मुझे दिखाना है उन्हें। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। और आप लोग क्या कैसा चला नवरात्रि बताइएगा। आप लोग आज छठा दिन मना रहे हो कि पंचमी सेलिब्रेट कर रहे हो बताइएगा। तब तक वीडियो देखोगे मेरे ख्याल तक दिन भी निकल जाएगा, फिर भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, और मेरे हस्बैंड आएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ जो पूजा है मैं कर ली हूँ ऊपर का, और नीचे जाऊँगी तब मैं आप लोगों को नीचे का मंदिर दिखा दूँगी, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हो तो मोटिवेट मिलता है यार, थोड़ा मोटिवेट रहने के लिए थोड़ा प्यार दिखाइए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में, और क्या क्या चल रहा है क्या क्या कर रही हूँ दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना चाय और पराठा और ये बिस्किट है इसमें, वो नहीं लेके आ गई हूँ। चाय थोड़ा काला दिख रहा होगा क्योंकि गुड़ वाली चाय है, उसमें मैं पाउडर वाला दूध मिलाई हूँ, इसलिए थोड़ा चाय काला दिख रहा होगा गुड़ के कारण। आज फिर से मौसम हो गया ख़राब, तो तेज़ हवा चल रही है, बारिश मत गिरे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा जाने के लिए हमें। तो हमारा जो ये नेट है ना, ग्रीन नेट, इसकी धज्जियाँ उड़ गई है, तो इसे चेंज करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा तो, या फिर जब हमें लगेगा इसे चेंज कर देना चाहिए। फिलहाल काम चलने के लायक है, तो अभी सिल विल के चला रहे हैं काम। और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीती हूँ, बारिश मत हो बस तेज़ हवा चल रही है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ नीचे का मंदिर। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, तो माथा टेकेंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो ये रंगोली है जो माँ डाली है आज, और ये हमारा मंदिर। तो यहाँ पे जो पूजा पाठ हो चुका है, अभी यहाँ पे माटा ठेकेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे हमारे डॉक्टर के पास, क्योंकि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो 11:30 बजे का है, तो हमें जल्दी जाना होगा। और थोड़ा दूर है यहाँ से जो डॉक्टर का क्लिनिक है वहाँ, तो देखते हैं यहाँ से निकलते तो कितनी देर में पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग निकल गए थे, और रास्ते में ये दुर्गा जी का पंडाल था, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दुर्गा माता का मूर्ति है यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक गुड़िया बैठी है, तो वो मेरे को एक टैप देख रही थी, मैं उसका वीडियो बना रही थी। तो हमारा जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर से मिले हो गया, तो वहीं पर ये जो मास्क देते हैं। और अभी मैं घर आ गई हूँ अपने मम्मी के, तो यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। जल्दी निकलेंगे मतलब, तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि शाम को मेरे हस्बैंड को काम में जाना है। तो हम लोग आए ना, तो मम्मी यहाँ पे खाना खा रही थी बैठ के, तो वो खाना खाते खाते हम लोग से बात भी कर रही है, तो पूछ रही थी क्या हुआ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो तुम लोग नवरात्रि, कहाँ कहाँ गए थे, ये सब वही बात चल रहा था। तो यहाँ पर ये बैठ के मोबाइल चला रहे हैं मासे जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो मम्मी ना हम लोग के लिए खाना निकाल रही थी, तो मैं बोल दी थी कि हम लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से वो खाना बना के रख ली थी। तो अभी वो हमारे लिए खाना निकाल रही है, और अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो नॉर्मल खाने का बना था, क्योंकि ज़्यादा तामझाम हम लोग को खाना पसंद नहीं है। तो कुमड़े की सब्ज़ी थी, यानी कद्दू की सब्ज़ी, दाल था, और जो पत्ता आता है ना क्या, कुचई का पत्ता, उसका कढ़ी बना था। तो मैं तो नहीं खाई, मेरे हस्बैंड खाए, तो मैं कुमड़े की सब्ज़ी और चावल खाऊंगी। और हम लोग खाना खाए, और उसके आधा घंटे बाद हम लोग निकल गए हमारे घर के लिए, क्योंकि हमारा काम था। हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोगों को मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। तो मैं नेक्स्ट क्लिप क्या दिखाई थी मुझे याद नहीं है, लास्ट में मैं क्या शूट की थी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अभी जो समय हो रहा है वो 8 बज रहा है, और हम लोग घर आ गए थे, दिन में ही खाना वगैरह खाया उसके बाद घर आ गए। तो घर हम लोग इसलिए जल्दी आए क्योंकि मेरे हस्बैंड को शाम को काम में जाना था, इस वजह से तो हम लोग जल्दी आ गए थे। और आया उसके बाद ऐसा सोए कि डायरेक्ट 6 बजे करीब हम लोग उठे हैं, तो अभी भी मेरे को ना एकदम स्लीपी फील हो रहा है, क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप था। तुम पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ये दिक्कत होता है कि अगर मैं ज़्यादा धूप में जाऊँ ना, उसके बाद मैं घर आऊँ तो मेरा सर बहुत दर्द देता है, या फिर मेरे को बहुत दिन जाता है। तो ऐसे ही हो रहा था, तो एकदम लेजी सा लग रहा था। तो उसके बाद उठे, चाय वगैरह पिए, तो चाय वगैरह ही पिए हैं, और पूजा पाठ हुआ है, और अभी मैं बैठी हुई हूँ। तो अभी मैं शाम को जो नीचे जाती हूँ, नहीं गई थी क्योंकि मेरा थोड़ा मूड ऑफ है, किस कारण है वो कभी मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बताना नहीं चाहती।
तो ENT स्पेशलिस्ट से मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो हो गया था, मैं मिली हूँ उनसे, बात वगैरह किए, तो उन्हीं से थोड़ा बात करके ना थोड़ा मूड अपसेट है, तो कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता रहता है। तो धीरे धीरे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो अभी मेरे को खाना बनाना है, पर मैं आज कोई रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी, मैं सिंपल आज खाना बनाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ और मेरा मूड सही नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताई पहले भी। और आज हम लोग को जाना था और दुर्गा देखने के लिए, मैं ले जाती मेरी मदर इन लॉ को और बच्चे लोगों को, लेकिन मेरा आज बिल्कुल मन नहीं है कि मैं गाड़ी चलाऊं या फिर कहीं जाऊं, क्योंकि मैं बहुत लेजी फील कर रही हूँ, इस वजह से भी नहीं जाना, मेरा मूड भी सही नहीं है। तो ऐसे ही है, कभी कभी होते हैं, आपके साथ भी होता होगा, है ना। तो अभी जस्ट मैं बैठी हुई थी, मेरी मदर इन लॉ ही, उनसे बात वगैरह की, वो भी गई है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो क्या बनाती हूँ वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, पर सिंपल खाना बनाऊंगी। तो जब हम लोग खाना खाएंगे ना, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो बीच बीच में मैं क्लिप बना रही, छोटा सा व्लॉग होगा मेरे ख्याल तक, आई होप आप लोग समझेंगे और पसंद करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में।